जैसे मैंने काल भैरव को प्रकट करा था, तू किसी भैरव से कम नहीं है, तू किसी भैरव से कम नहीं है। तू किसी भैरव से कम नहीं है। जा, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा राहु को खजा, जा इस राहु को खा ले। अब राहु तो भागा, ये जो शादी के बीच में जो होते हैं ना, लड़का लड़की के बीच में जो होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में जो होते हैं, थोड़ा सा भी संबंध खराब होता है ना, तो सबसे वाले बीच में जो रहते हैं सबसे पहले भागते हैं। जिनने कराई थी शादी, जिनने कराई शादी, कोई के मामा जी ने कराई, कोई के मौसा जी ने कराई, कोई के काका जी ने कराई, के हमारे परिचित था उसने कराई, और जैसे ही संबंध बिगड़ा, लड़का लड़की के बीच में संबंध बिगड़ा, अदालत में बात पहुंची, तो जो बीच वाला है ना सबसे पहले पीछे हट जाता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब क्या करें साहब, हमने तो अच्छा ही देखा था, हमने तो बताया था देख लो, तुमने ही नहीं देखा तो हम क्या करें, हमको क्या मालूम था कि लड़की ऐसी होगी, हमको क्या मालूम था कि लड़का ऐसा होगा। बीच वाला भाग जाता, राहु भागा। जलंधर और पार्वती के विवाह प्रस्ताव को जो लेकर आया था वो राहु भागा। अब पीछे पीछे कीर्ति मुख भागता गया, भागते भागते राहु जलंधर के पास पहुंचा। मेरे प्राण कैसे बचेंगे? जलंधर ने कहा यहां से जा, अगर मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा, चल यहां से। जलंधर ने भी भगा दिया, भागते भागते सब दूर गया, ब्रह्मा जी के पास में गया, इंद्र के पास गया, नारायण के पास गया, सब दूर जाकर आया, पर उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। भागते 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 आखिरी में उसने देख लिया कि कोई प्राण नहीं बचा रहा। तब शंकर जी के एक शिवालय में जाकर बैठ गया, हाथ में जल का पात्र भरने के लिए पात्र भी नहीं था, हाथ की अंजलि में सरोवर के जल को भरा। हाथ की अंजलि से भी जल नीचे गिरने लगा, अपने तन का वस्त्र लेकर उसको जल में भिंगोकर देव अधिदेव महादेव को चढ़ाकर उनको प्रसन्न कर रहा था। तब शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोला तो भोला है, श्राप दिया था, मारने के लिए आतुर हुए थे। इतने में शंकर जी ने कहा, बोल राहु क्या चाहिए? राहु कहता है, कीर्ति मुख से बचा लीजिए, वो मुझे खा जाएगा, प्रभु रक्षा करिए। शंकर जी ने राहु को अपने जटा में छुपा लिया, जटा में छुपाया। जब जटा में छुपाया, इतनी देर में कीर्ति मुख आया। कीर्ति मुख ने कहा, भोलेनाथ राहु तुम्हारी जटा में छुपा है, उसको मुझे खाना है, बाहर निकालो। शंकर भगवान कहते हैं, अब उसे मत खा, मुझे प्रकट करा था राहु को खाने के लिए, भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? शंकर भगवान ने कहा, तू मेरा गण है, एक काम कर, भूख लग रही है तू अपने आप को खा जा। कीर्ति मुख ने अपने हाथ पांव शरीर खाना चालू कर दिया, खाते खाते कीर्ति मुख पूरे शरीर को खा गया, केवल मुख मुख बचा। तब शंकर भगवान से कहता है, मेरे मुख का क्या करूं? शिव जी कहते हैं, चिंता मत कर, तू मेरा गण है, मेरे कहने को तूने माना है, मेरे कहने पर तू अपना पूरा शरीर खा गया, तेरा ये मुख काल भैरव का एक स्वरूप कीर्ति मुख के नाम से रहेगा। पूरे मृत्यु लोक में जितने देवालय, जितने शिवालय, जितने मंदिर रहेंगे, उस मंदिर के गेट पर तेरा मुख लगाया जाएगा। कभी भी आपने एक मुख मंदिर के गेट पर देखा होगा, जीवान बाहर निकली है, भयंकर सा मुख है। किसी किसी मंदिर में तुमने देखा होगा, दरवाजे पर बिल्कुल बीच में लगा हुआ वो मुख नजर आता है। वो शंकर भगवान ने जिसको प्रकट करा था वो कीर्ति मुख था। शिव जी ने कहा, सुन कीर्ति मुख,
तू काल भैरव का स्वरूप रहेगा, तू भैरव का स्वरूप रहेगा, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, दरवाजे पर तू बैठा रहेगा, चौखट पर तू बैठा रहेगा। जो शिवालय के अंदर जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा, उसके अंदर जितना दुख होगा, जितनी तकलीफ होगी, जितना कष्ट होगा, जितनी बीमारी होगी, जितना रोग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर प्रवेश करेगा, भरे हुए पात्र को जब तू देखेगा, तेरी दृष्टि उस पात्र पर पड़ेगी, और जो अंदर प्रवेश करेगा, उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसको तुझे खा जाना है, उस बीमारी को तुझे निगल जाना है। बस कीर्ति मुख का काम इतना है कि जल चढ़ाने वाले के दुख को, जल चढ़ाने वाले की तकलीफ को, जल चढ़ाने वाले की बीमारी को कीर्ति मुख उसको निगल जाता है, कीर्ति मुख उसको खा जाता, उस बीमारी को समाप्त कर दे। कई लोग कहते गुरुजी ये आप कहते हो शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया।